नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे घर बैठे ही 5 मिनट में आप अपने नेल्स को खूबसूरत बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। इससे पहले भी दोस्तों मैंने अपने चैनल पर नेल्स आर्ट के बारे में शेयर किया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज उन वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा। आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और हाँ, मैंने नेल्स ग्रोथ के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, तो प्लीज मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। दोस्तों जो इससे पहले मैंने नेल्स आर्ट के बारे में आपसे शेयर किया था वो नेल्स आर्ट मैंने लोकल मार्केट से परचेज किए थे, लेकिन आज जो मैं नेल आपको दिखाने जा रही हूँ ये मैंने फ्लिपकार्ट से फर्स्ट टाइम परचेज किए हैं। इसकी परचेज लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा मुझे ये क्यों पसंद आए हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ। ये आप देख सकते हो गाइस, मेरे हाथ में खूबसूरत सा ज्योमेट्री बॉक्स टाइप कंटेनर है। ये आपको थोड़ा ज्योमेट्री बॉक्स टाइप ही दिख रहा होगा। और सबसे अच्छी बात ये है इस प्लास्टिक कंटेनर की, ये ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए, इसमें आपको इस तरह से नेल्स के सेट दिख जाते हैं, किस टाइप से नेल्स है इसमें। और ये देखिए पैकेजिंग मुझे इसकी बहुत ही अच्छी लगी है, काफी ट्रैवल फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है। तो ये देखिए, ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी है कि इसे आप कील वगैरह पर भी लटका कर रख सकते हो। अगर आपने ऑर्गेनाइज करके रखना है इसे तो इस तरीके से भी आप इसे रख सकते हो। और काफी पकड़ने में इजी भी है, खुलेगी नहीं ये और लॉक हो जाती है। मैं आपको ओपन कर दिखा देती हूँ। ये देखिए अच्छे से ये लॉक हो जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसे ओपन कर। तो ये देखिए, इसमें एक छोटा सा ये कार्ड दिया हुआ है, इसके ऊपर नेल्स की पिक बनी हुई है, आपको शायद दिख रही होगी। ये देखिए, और इसके साथ मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगेगा इसकी, आपको नेल स्ट्रिप मिल जाती है नेल डेकोरेट करने के लिए, यानी कि नेल आर्ट करने के लिए। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। और जब मैंने ऑर्डर किया था तो वहां पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ था कि आपको नेल स्ट्रिप भी इसके साथ फ्री मिलेगी, लेकिन मुझे मिली है तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। और इसके साथ आपको एक स्लिप दी हुई है, ये देखिए। इसमें एक इन्होंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है कि आप इस वीडियो के लिंक को भी चेक कर सकते हो अगर आप नेल्स आर्ट के बारे में जानना चाहते हो। नहीं करना तो इट्स ओके, आप मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद आपको इसमें मिल जाता है, ये देखिए, ग्लू मिल जाता है जिससे आप अपने नेल्स को आराम से स्टिक कर सकते हो, यानी कि चिपका सकते हो अपने ओरिजिनल नेल्स पर। तो चलिए देख लेते हैं। और साथ ही साथ गाइज, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इन नेल्स के सेट के अंदर आपको पूरे 100 नेल्स मिल जाते हैं। जी हाँ, पूरे 100 नेल्स का सेट है इसमें, आपको शायद दिख रहा होगा। और सबसे अच्छी बात एक और ये है कि इसमें आपको छोटे साइज के, बड़े साइज के, स्मॉल साइज के और सबसे बड़े साइज के भी नेल्स मिल जाते हैं, जैसे काफी लोगों के नेल्स बड़े होते हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने इसे परचेज किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्विकली मैं आपको इसे अपने नेल्स पर लगाकर दिखा देती हूँ कि कैसे हमें इसे इस्तेमाल करना है। और गाइज, जो इन नेल्स का कलर है वो ऑफ व्हाइट सा कलर है, थोड़ा जैसे क्रीम कलर होता है उस टाइप से ये कलर है इसमें। और जब आप इसके ऊपर नेल पेंट लगाएंगे तो आपका जो ये नेल का ओरिजिनल कलर है वो ढक जाएगा। आप चाहें तो 1 से 2 कोट लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नीचे वाले नेल्स जो है वो दिख रहे हैं तो आप एक और कोट भी लगा सकते हैं। वैसे भी हमें 2 ही कोट अच्छे लगते हैं जब हम नेल पेंट लगाते हैं। तो चलिए क्विकली मैं आपको इसे अपने नेल्स पर लगाकर दिखाती हूँ कि कैसे हमें इसे इस्तेमाल करना है। और सबसे अच्छी बात ये लगी है गाइस कि इतने अफोर्डेबल प्राइस पर आपको 100 नेल्स के सेट मिल जाते हैं, जो कि आपको अलग अलग साइज में मिल जाते हैं, छोटे, बड़े, मोटे, पतले, नाखून, जैसे भी हो आप अपने अकॉर्डिंगली इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। और ये काफी पॉकेट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, ट्रैवल फ्रेंडली है। जी हाँ, आप इसे ट्रैवलिंग में भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये लॉक हो जाती है कंटेनर, बहुत ही इजिली आप इसे अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हो। तो ये देखिए, इस तरीके से ये ओपन हो जाता है, इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी हुई है नेल्स की। और इसके साथ आपको ग्लू फ्री मिल जाती है, ये देखिए, इसीलिए मुझे ये डील बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि इसके साथ आपको ग्लू भी फ्री मिल रही है। और ये देखिए, नेल्स की जो क्वालिटी है, अगर क्वालिटी की बात करूं तो नेल्स की क्वालिटी बहुत औसम है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है इन्होंने नेल्स की क्वालिटी के साथ, तो बहुत ही अच्छी है। जैसा कि आप देख सकते हो, काफी मजबूत भी है ये और कलर भी काफी अच्छा है नेल्स का। और ये देखिए, मजबूती काफी अच्छी है इसकी नेल्स की, क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। और गाइज, आप इन साइज के नेल्स को जो देख रहे हैं, आप अपने नेल्स जो साइज होती है आपकी ओरिजिनल, उनके अकॉर्डिंगली आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो। अब जैसे कि ये नेल्स जो आप देख रहे हो, ये काफी बड़ा है मेरे ओरिजिनल नेल्स के साइज से, तो मैं इसे थोड़ा सा कट कर लूंगी। और इसके लिए आपको बहुत ही इजीली आप इसे मतलब कट कर सकते हो, नेल फाइलर की हेल्प से आप इसे नेल फाइल भी कर सकते हो, जो भी आप शेप देना चाहते हो ना वो दे सकते हो बहुत इजीली। नेल कटर की हेल्प से आप इन्हें कट भी कर सकते हो। और जो आपको ये साइड पर थोड़ी सी ये बिंदी दिख रही है ना, इसे आप थोड़ा सा अगर फाइल करेंगे ना तो ये इस तरीके से हट जाएगी, ये देखिए बहुत इजीली ये रिमूव हो जाएगी, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैंने ये 5 नेल्स सेलेक्ट किए हैं जो कि मेरे
ओरिजिनल नेल्स के साइज के अकॉर्डिंगली बिल्कुल फिट बैठेंगे और मैं इसे थोड़ा सा शेप दे लूंगी पहले। उसके बाद ये देखिए, ये जो आपको ग्लू मिलती है ये ड्रॉप फॉर्म में मिलती है आपको, ये देखिए ब्रश वगैरह इसके साथ नहीं मिला है, ये चीज मुझे बस थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी इसकी। अदरवाइज आप इसे यूज कर सकते हो बेझिझक होकर, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके पास अगर दूसरी ग्लू है ब्रश वाली तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ब्रश की हेल्प से अप्लाई करना ग्लू को बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए फिर मैं पहले इस नेल्स को अपनी शेप दे लेती हूं जैसी मुझे चाहिए। तो हमें नेल्स को जब अप्लाई करना है तो हमें इस साइड से करना है अप्लाई, जैसा कि आप देख रहे हो, ये देखिए इस साइड से हमें अप्लाई करना है। यहां से जैसे कि थोड़ा सा उठे हुए हैं, गोल शेप में है, तो इस तरीके से आपकी फिंगर के अकॉर्डिंगली फिट बैठ जाएंगे, ये देखिए। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा शेप दे लेती हूं पहले। और एंड में मैं इसे निकालकर भी दिखाऊंगी। मैं बहुत ही हल्का ऊपर की तरफ से इसे थोड़ा सा शेप दे रही हूं, बहुत ज्यादा नहीं। आपको जैसी भी शेप पसंद हो वैसी आप दे सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी नेल्स की शेप अपने अकॉर्डिंगली दे दी है जैसे मेरे ओरिजिनल नेल्स है, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए मैं इसे अप्लाई कर दिखा देती हूँ फटाफट से आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस ग्लू में होल कर लिया है और अब मैं इसे अपने नेल्स पर लगा लूंगी इस तरीके से। तो ये देखिए, आपने इसे थोड़ा सा जस्ट ऐसे प्रेस कर रखना है। एक दो सेकंड तक आप इसे प्रेस करेंगे तो ये इजीली आपके नेल्स पर स्टिक हो जाएगा। जब ग्लू थोड़ा सा सूखने लगेगी तो ये आपके नेल्स ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे आपके फिंगर्स पर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने नेल्स लगा लिए हैं। आपको शायद ये थोड़ी सी अजीब शेप में दिख रहे होंगे फ्रेंड्स, लेकिन ये नेल पेंट लगाने के बाद बहुत अच्छे दिखेंगे। और आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ये फिक्स हो चुके हैं और अब मैं इन पर नेल पेंट अप्लाई कर लेती हूं। तो मैं यहां पर अप्लाई कर रही हूं ग्रे कलर का नेल पेंट। आप चाहें तो कोई भी अपना फेवरेट नेल पेंट अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये नेल्स। और अभी जब ये एक कोट सूख जाएगा तो मैं दूसरा कोट भी अप्लाई कर आपको दिखाऊंगी। और हाँ फ्रेंड्स, आपके मन में ये सवाल होगा कि हम इसे दोबारा रीयूज कर सकते हैं या नहीं, तो आप इसे बेझिझक होकर रीयूज कर सकते हो और आप इसका नेल पेंट नेल रिमूवर की हेल्प से भी हटा सकते हो और दोबारा से फिर आप कोई नेल पेंट अगर अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बहुत ही ईजी है इसे रीयूज करना। और नेल पेंट हटाकर आप अपना फेवरेट कोई अगेन दोबारा अगर नेल पेंट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने नेल पेंट लगा लिया है। अब जब ये नेल पेंट सूख जाएगा इसके बाद से मैं दूसरा कोट अप्लाई करूंगी। आप चाहें तो सिंगल कोट भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको ऐसे ही पसंद है तो आप ऐसे भी रख सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरा कोट भी लगा लिया है।
और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं नेल्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स कैसे लग रहे हैं आपको मेरे नेल्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो ये नेल एक्सटेंशन कर ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी दिख रहे हैं नेल्स। बस मन कर रहा है बस ऐसे ही रखूं हाथों को। और हाँ फ्रेंड्स, आपके मन में एक सवाल होगा कि ये नेल्स कितनी देर तक आपके ओरिजिनल नेल्स पर टिके रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक नहीं निकलेंगे। और वैसे ये 8 से 10 घंटे तक आपके नेल्स पर टिके रहेंगे, जब आप निकालेंगे तभी निकलेंगे ये, क्योंकि आप ऐसे एकदम से नहीं निकलने वाले हैं ये। और जब आप इसे निकालें तो थोड़ा केयरफुली आपने इसे निकालना है। मैं बता देती हूँ वैसे तो बहुत इजीली निकल जाएंगे ये, गर्म पानी में आप अपने नाखूनों को डिप कर लीजिए, उसके बाद ये इजीली रिमूव हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है गाइस। और हाँ, आपके ओरिजिनल नेल्स को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, मैं इसे पहले भी से यूज कर चुकी हूँ, लेकिन हाँ फ्लिपकार्ट वाले नेल्स जो मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत ही अमेजिंग लगे हैं और निकालना भी काफी ईजी है। अभी मैं आपको निकाल कर भी दिखाऊंगी कि कैसे आप इसे इजिली निकाल सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों कि इजिली निकलेंगे नहीं, ये देखिए बहुत ही मजबूती के साथ इस ग्लू ने आपके नेल्स को फिक्स कर दिया है। तो चलिए मैं अभी इसे गर्म पानी में डिप कर लेती हूँ, फिर आपको रिमूव कर दिखाती हूँ कि आपने इसे रिमूव कैसे करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बाउल में गर्म पानी ले लिया है, आपको स्टीम भी नजर आ रही होगी, तो मैं इस पर डिप कर रही हूँ इन्हें। 2-3 मिनट तक आपने डिप कर रखना है। तो ये देखिए 2-3 मिनट तक मैंने इसे रखा हुआ था। और आप जब भी नेल्स उतारें तो साइड से आपने निकालना है, ये देखिए ये साइड से निकल जाएंगे। आपने कभी भी सेंटर से नहीं खींचना है, हमेशा साइड से ही थोड़ा थोड़ा पुश करना है इसे, तो ये निकल जाएंगे, ये देखिए। बस गर्म पानी में 2-3 मिनट तक आप डिप करिए, आराम से ये निकल जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। और मेरे ओरिजिनल नेल्स को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये देखिए, बस आप अगर चाहें तो अपने नेल्स को अच्छे से गर्म पानी में डिप करने के बाद इसे ग्लू भी निकल जाएगी, और आप इसके बाद थोड़ा सा मॉइस्चराइजर अपने नेल्स पर लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे आज के ये नेल एक्सटेंशन वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।